रजत किस हद तक गिर गया तू और कितना नीचे गिरेगा? क्या बोल रहा है तू? रेपिस्ट बोल रहा है किसी को? क्यों? तो कोर्ट है, जज है तू, तेरी अदालत चल रही है जो तू फैसला सुनाएगा। और राजवीर के जितने फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से वो पब्लिक फिगर है। अगर उसने तेरे ऊपर 10-12 करोड़ का डिफर्मेशन का केस ठोक दिया तो तेरी सारी सरपंची निकल जाएगी एक मिनट में, जो तू कोर्ट से ऊपर होकर फैसला सुना रहा है। और क्या कर रहा था तू उस महिला के लिए? अरे एक कनाडा वाला बहुत बकचोदी कर रहा है भाई, आपकी बीवी का शादी से पहले जो बॉयफ्रेंड था ना, फोटो के साथ प्रूफ है, बात करी है कांटेक्ट, बॉडी पे तिल कहां का है ना वो तक बता सकता हूं। ठीक है, थोड़ी औकात में रहो, अगर मैं अपने गिरे हुए हरकतों पे आया ना तो घर बिछड़ जाएगा आपका। और जिसके साथ शादी हुई है ना, सोते टाइम 4 बार सोचोगे सो किसके साथ रहा हूं, ये मेरी बीवी है। जिस आदमी की इतनी घटिया सोच हो ना, जो इस स्तर पे गिर सकता है सोशली, किसी महिला के लिए कुछ भी बोल सकता है। अरे सबकी माँ बहन बेटी सब सब हैं, सम्मान करना नहीं सिखाया किसी ने? महिला आयोग में वीडियो चलेगी ना तेरी, तो वहां से भी तेरी पेटी पैक हो जाएगी। और राजवीर, उसको तो रेपिस्ट बोल रहा है, तेरे महिला के लिए, किसी महिला के लिए, बिचारी के लिए ऐसे अपशब्द हैं तो तू दूसरे को कैसे बोल सकता है रेपिस्ट? मुझे तो तेरे अंदर एक पोटेंशियल रेपिस्ट दिखाई दे रहा है, तू समाज में महिलाओं के लिए खतरा है, क्या पता किसके चिपट जाए तू। और राजवीर, मैंने जाने से पहले तेरे को कहा था ना इसका अच्छे से इलाज कर दियो, क्योंकि हम तो जानते हैं भाई, आज से नहीं 10 साल से जानते हैं इसको। अगर फेस टू फेस बैठ के ढंग से इलाज कर देता तो दोबारा नहीं बोलता ये, पर हमें पता इलाज कैसे करना है, हो जाएगा इलाज।